हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो ठंड का मौसम है, हल्की हल्की सी धूप आई हुई है, मौसम भी बहुत बढ़िया है, तो कुछ हेल्दी खाने का मन किया मेरा। तो मैंने सोचा क्या बनाया जाए। तो ये देखिए, ये है मेरे पास बाजरा फ्लोर, इट मीन्स पर्ल मिलेट। तो ऐसे तो आप जानते होंगे कि हमने बहुत सारी बाजरे की रोटियां खाई है, लेकिन इससे आज हम बनाने जा रहे हैं पराठे। वो भी उसमें कुछ डालेंगे हम हेल्दी इंग्रेडिएंट और जो झटपट बने। तो चलिए देखते हैं अब इसे कैसे बनाया जाए। बट बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड प्लीज़ लाइक माई फेसबुक पेज। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। बट उससे पहले हम इसके कुछ फ़ायदे भी देख लेंगे कि उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम जब ग्लूटेन फ्री की बात करते हैं तो उसमें बाजरा भी इंक्लूड होता है। तो जो पर्सन को ग्लूटेन फ्री खाना खाना है उसमें बाजरा खा सकते हैं वो आराम से। अगर उनको रोटियाँ खा कर बोर हो गए तो वो पराठा भी बना सकते हैं। ये पराठा बहुत ही हेल्दी है, ठीक है। इसमें आपको इनफैक्ट न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ये प्लांट बेस्ड भी है एज़ यू नो, और ये रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट में। तो मेरी बेटी भी छोटी है, मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मिलेट्स से बनाए हुए फूड्स थोड़ा दूँ, मीन्स एटलीस्ट वन मील में डालूँ। तो ये पराठा आप उसको इजीली आप बच्चों को दे सकते हैं। ये डायबिटीज़ पेशेंट के भी शुगर लेवल को ये कंट्रोल करता है। इसमें बहुत मात्रा में फाइबर होता है, साथ में ये वेट लॉस करने में भी आपकी हेल्प करता है। तो इसके फ़ायदे तो बहुत है, अनगिनत। तो चलिए देखते हैं अब इसे कैसे बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक तड़का रेडी कर रही हूँ, पानी वाला तड़का है। तो उसमें हम सबसे पहले घी डालेंगे 1 चम्मच, 1 स्पून। ये मैंने देसी घी लिया है, आप चाहे तो ऑलिव ऑयल या ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी मेल्ट हो गया है, अब इसमें हमने 1 स्पून हल्दी ली है, रेड चिली, मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है ऑयल, घी, रेड चिली, 2 टेबलस्पून जीरा, और ये मैंने गार्लिक सॉल्ट लिया है 2 टेबलस्पून। बट अगर आप चाहिए तो आप गार्लिक को क्रश करके यूज़ कर सकते हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें ये देखिए ये 1 कप पानी डाल देंगे और ढक देंगे। ये हमारा तड़का, अगर आप देखें तो ये रेडी है। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि हमें कैसे बनाना है पराठे का डो। हमने 1 बोल पर्ल्स मिलेट लिए हैं, उसका फ्लावर है यानी कि बाजरी का आटा। सेकेंड हम ले रहे हैं ये ब्लैक काला चने का रोस्टेड फ्लावर है ये, ठीक है। आप चाहे तो बेसन ले सकते हैं। तो इसमें हाफ हमने वो लिया है मिलेट्स पर्ल और पर्ल मिलेट्स यानी बाजरी का आटा, और आधा हमने काला चने का लिया है। अब हम इसमें इसको और पौष्टिक बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी पालक। तो मैंने 1 छोटा बाउल पालक लिया है और मैंने सेम मात्रा में मैंने मेथी भी ली है। सभी को मैंने धो के बारीक काट लिया था। और ये है मैंने तिल लिया है 2 बड़े टेबलस्पून, थोड़ा और सॉल्ट लिया है क्योंकि ये सब डालने पर सॉल्ट और लगेगा हमें, पर सॉल्ट आप हमेशा अपने स्वाद अनुसार ही डालें। और ये चिली फ्लेक्स लिया है, बट दिस इज़ ऑप्शनल, अगर आपके यहाँ स्पाइसी नहीं खाते हैं तो आप उसे यूज़ ना करें, ठीक है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी को। ठीक है, तो ये हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा तड़का, ये गरम गरम तड़का है और ये गरम ही डालना है वरना आपका आटा ठीक से बनेगा नहीं। देखिए हमारा ये डो बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे 20 मिनट्स के लिए या 15 मिनट्स के लिए इसको ढक के रख देंगे। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट्स हो गए हैं, अब चलिए देखते हैं। हाँ, तो हमारा आटा सही हो गया है। तो चलिए अब हम इसके पराठे बनाते हैं। देखिए आराम से हमारा गोली बन गई है। तो चलिए अब बेलते हैं इसे।
धीरे धीरे बेलना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये फट जाती है। तो बहुत ही आराम से और बहुत हल्के हाथ से बेलिएगा। अगर आप मोटे चाहते हैं तो मोटे रखिए, पतले चाहते हैं तो पतले रखिए। देखिए ऐसे भी हम बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़े फट रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए प्रॉपर शेप, तो हम इससे कट कर लेंगे ऐसे। तो देखिए बन गया हमारा प्रॉपर शेप, ये देखिए। तो ऐसे ही करके हम अपने चार पांच पराठे से पहले बेल लेंगे और फिर सेकने चलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने चार पांच बना लिए हैं अपने पराठे, तो चलिए सेकते हैं और मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी अपने घर की, जहां से मैं बिलोंग करती हूं। तो फ्रेंड्स चलिए बना पराठे हम सेकते हैं। और मैं आपको बताना चाह रही थी कि हमारे यहाँ, मैं जनरली महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी मम्मी हमेशा जब भी ठंड आती थी तो बढ़िया से जवारी बाजरे की रोटी बनाते थे हम लोग, बैंगन के भरते के साथ खाते थे, बड़ा मज़ा आता था। और मेरी मदर इतनी अच्छी रोटी बनाती है, पतली पतली बिल्कुल, तो वो दिन ही अलग थे, बड़ा मज़ा आता था खाने में। बड़ी फैमिली थी हमारी, बुआ के चाची के, हम सब बच्चे बैठ के साथ में इंजॉय करते थे। और उस टाइम हम लोग का फेवरेट होता था झुनका भाकर। मेरी मम्मी भाकर भी बहुत बढ़िया बनाते थे और झुनका भी। तो अगर आपको उसकी भी रेसिपी चाहिए तो मैं कभी ना कभी बनाऊंगी, तो उसका हम वीडियो डाल सकते हैं। और आप मुझे बताइए कि आप लोग कौन सा फूड अपने बचपन में एंजॉय करते थे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे गर्मा गर्म पराठे रेडी हैं। अब मैं इसे दही के साथ खाऊंगी, आप चाहे, ये देखिए आप चाहे तो इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो आप इसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं, जो भी करनी है तो। पर ये बहुत हेल्दी है, प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितने कम इन्ग्रीडियंट में और शॉर्टकट रेसिपी के साथ कैसे बना हमारा मिलेट पराठा। तो प्लीज़ आप इसे ट्राई कीजिए, बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसे एटलीस्ट वन मील में एक पराठा खा के देखिए, एक, लाइक आई एम नॉट आस्किंग मोर, जस्ट वन, इसको एक खाइए। ये बहुत ही फाइबर रिच पराठा है। और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज़ लाइक माई फेसबुक पेज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। बाय।